यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच जहां यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की चिंताजनक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ऐसे में एक राहत देने वाली तस्वीर हरियाणा के अम्बाला से सामने आई है, जहां यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गई अम्बाला की बेटी देर रात सकुशल वापिस घर लौटी, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। अम्बाला पहुंचकर किरण ने बताया कि किस तरह से यूक्रेन में हालात खराब चल रहे हैं और वहां पर भारतीय छात्रों का क्या हाल है। इसी बीच भारत सरकार द्वारा सभी छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास लगातार जारी है। यूक्रेन में किस सिटी में थे आप, किस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ पढ़ रहे हैं? मैं उज़्गोरोद यूनिवर्सिटी में थी, MBBS कर रही थी। आप लोग इंडिया पहुंचे हैं, किस तरह का आपकी तरफ माहौल था और ओवरऑल यूक्रेन के क्या कुछ रिपोर्ट्स? ओवरऑल यूक्रेन का हालात बहुत ख़राब है, पर जहाँ जिस सिटी में मैं थी वहाँ पर ठीक है सिचुएशन फिलहाल तो, पर आगे क्या होगा वो नहीं पता है। और हम आ चुके हैं इंडिया, कल ही आए हैं। रेड जोन में आपका भी जो सिटी है वो आ गया? हाँ, उज़्गोरोद सिटी भी रेड जोन में है फिलहाल तो। किस बॉर्डर के थ्रू इवैक्यूएट किया गया? हंगरी बॉर्डर के थ्रू। सर, बेटी यूक्रेन से वापस आई है, लगातार खबरें जो रिपोर्ट सामने आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आने बाद तो ठीक कर रहे हैं महसूस हम, लेकिन पहले मेरे एकदम परिवार में, घर में, सब जगह मतलब एकदम माहौल खराब था। सब टेंशन में थे कि इस हिसाब से क्या होगा क्या नहीं, उधर भी झगड़े बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, वो सब सोच रहे थे, परिवार वाले यही कर रहे थे। अभी आने के बाद में बहुत खुशी है परिवार में। क्या दोबारा वापस अगर मामला शांत होता है तो भेजोगे लड़की को? अगर ऐसे मामला वहाँ पर शांत होगा तो दोबारा फिर भेजेंगे, नहीं तभी तो लगभग साल भर ऑनलाइन क्लास चलेंगे इनकी, यहाँ बैठ के पढ़ाई कर लेंगे। सर, कितने महीने पहले भेजा था बेटी को? 3 महीने पहले भेजा था बेटी को। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।